नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अवरल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सोनाक्षी। दोस्तों, डिजिटल भुगतान में लगातार वृद्धि के बावजूद देश में नकदी की मांग घटने की जगह बढ़ी है। एटीएम में नकदी का प्रबंधन करने वाली कंपनी सीएमएस इन्फो सिस्टम ने जारी सालाना रिपोर्ट्स में कहा, लोगों ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के दौरान एटीएम से हर महीने औसतन 1.43 लाख करोड़ रुपए निकाले हैं। ये आंकड़ा 2022 से 23 के 1.35 लाख करोड़ रुपए के औसत मासिक निकासी से 5.92% ज्यादा है। ये ताजा आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि लोग खर्च के लिए अब भी नकदी का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बीते वित्त वर्ष के दौरान महानगरों में एटीएम से नकदी निकासी 47.49% बढ़ी है। इस अवधि के दौरान कस्बों एवं देहात में लोगों ने एटीएम से एक साल पहले की तुलना में 12.50% अधिक नकदी निकासी की। देश के लगभग आधे एटीएम का प्रबंधन करने वाली कंपनी ने रिपोर्ट्स में कहा, महानगरों में लोगों ने 2023 से 24 के दौरान एक साल पहले की तुलना में औसतम 10.47% ज्यादा नकदी निकासी की। इसमें कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 3.94% और शहरों में 3.47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें एटीएम और अन्य तरीकों से नकदी निकासी शामिल है। सरकारी बैंकों के 49% एटीएम महानगरों और शहरों क्षेत्रों में स्थित है। निजी बैंकों के मामले में यह अनुपात 64% है। दोनों ही वर्गों के बाकी एटीएम कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 से 24 के दौरान मीडिया एवं एंटरटेनमेंट क्षेत्र में औसत खर्च 29.30% बढ़ा है। एफएमसीजी क्षेत्र में खर्च में 16.76% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें 2022 से 23 के दौरान 21.94% की गिरावट देखने को मिली थी। धन्यवाद।